पे क्या चल रहा है आजकल कुछ बताइएगा। अभी मैं हिंदी मूवी करने जा रहा हूँ। हाँ। और बहुत जल्द इसकी म्यूजिकल लॉन्चिंग भी करूँगा बहुत जल्द। क्या बात है, आप भोजपुरी से डायरेक्ट हिंदी में आप चले गए, कुछ खास बात? नहीं, भोजपुरी से मैंने शुरुआत की थी। हाँ। लेकिन धीरे धीरे अब लोग आगे बढ़ते हैं, हम भी बढ़ गए। भोजपुरी में कितने फिल्में आप गए एज ए राइटर आई है? एज ए राइटर मैंने करीब रिलीज पिक्चर हमारी तीन चार है। जैसे कौन कौन? जैसे एक नंदू निकम्मा, पापी के बाप काहे गंगा धोए, प्रेम विद्रोही आ रही है अभी, संयापन परदेसिया, जिसको मैंने डायरेक्ट भी किया है। ये सारी फिल्में बन चुकी हैं, बनने वाली है? इसमें दो रिलीज है और दो अभी तैयार है, एक सेंसर भी हो चुकी है, संयापन परदेसिया। एज ए डायरेक्टर अभी कौन सी फिल्में रिलीज होने वाली है? संयापन परदेसिया। अच्छा, फिल्म जो लिखे अपने वो कौन डायरेक्ट करने वाले और कौन प्रोड्यूसर है? ये जो अभी मूवी कर रहा हूँ इसकी पटकथा मैं कर रहा हूँ। बेसिकली ये इसकी स्टोरी राइटर कोई नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जो पिछले 50-70 सालों में देश में घटित होती जा रही है, 70 सालों से उसी को बेस करके हमने एक कॉन्सेप्ट डिजाइन किया और उस पर मैंने देश के कुछ चार पाँच बड़े पत्रकारों को की टीम बैठाई जिन्होंने इस पर शोध वर्क किया और उसके शोध रिपोर्ट में जो आया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें रोमांच सब है। फिल्म का निर्माण कौन कर रहा है इसका? ये दिनकर कुमार हैं, हमारे प्रोड्यूसर हैं। ये लीगल फिल्म के बैनर तले बनाई जा रही है। अच्छा, कुछ बता सकते हैं इसमें कौन से सुपरस्टार काम करेंगे? देखिए, अभी चूंकि हम लोग स्क्रिप्ट पे काम खत्म हुआ है, अभी हम लोग कलाकारों का चयन कर रहे हैं। जो लोग हमारे साथ कंफर्टेबल होंगे, जिनके साथ जो मेरे साथ काम कर सकते हैं, मैं उनके साथ काम करूँगा। इस फिल्म में शूटिंग कहाँ कहाँ करेंगे बताइएगा? शूटिंग कुछ पार्ट तो बिहार में करेंगे और बाकी सब मतलब चूँकि ये बेसिकली सच्ची घटना है तो हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट सच्ची घटना जो घटना स्थल पर ही की जाए। अच्छा, इसके म्यूजिक और कुछ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह म्यूजिक होगा, कौन करेगा? ये म्यूजिक पे काम चालू है और जैसे जैसे आगे काम होता जाएगा खबर आपको मिलती रहेगी। आप इसका सिर्फ डायरेक्शन कर रहे हैं? मैं इसमें पटकथा लिख रहा हूँ और डायरेक्शन कर रहा हूँ। अच्छा, तो इतना बड़ा मुद्दा आपने कैसे सोचा कि कामयाबी आपको कितनी मिल सकती है? दरअसल जब मैं 10th में पढ़ता था, ये 90 के दशक की बात है, उस समय देश में एक बहुत तेज़ी से नक्सलवाद काम कर रहा था और सेनाएं भी बहुत तेज़ी से बन रही थी, मिट रही थी। उसी समय मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये तो पूरा किसान की लड़ाई है, क्योंकि नक्सली कोई क्रिमिनल नहीं है, नक्सली हमारे समाज के अंग हैं, उनकी एक मांग है और सेनाओं की भी अपनी समस्या है, जो निजी सेनाएँ बन रही थी कि उनकी भी एक अपनी समस्या है, दोनों अपने अपने जगह राइट थे, कहीं ना कहीं से सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा था। तो उस समय मेरे दिमाग में आई थी कि मैं अगर ये बात, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों गुमराह हो रहे थे, तो मुझे लगा था कि जब मुझे मौका मिलेगा कोई अच्छी मूवी करने का, मैं अगर फिल्म लाइन में सक्रिय हुआ कुछ किया तो मैं इस पर पिक्चर बनाऊँगा। और आज संजोग अच्छा है, हमारे साथ कुछ लोग जुड़ते चले गए और मैंने जब काफ़ी दिन से, चूँकि मैं क्षेत्रीय भाषाओं में काम करता था, अभी मैं धीरे धीरे हिंदी की तरफ बढ़ा हूँ और ये पहली मूवी मैं इसी सब्जेक्ट को लेकर। अच्छा सुबोध जी, कहाँ के रहने वाले हैं और फिल्म लाइन में कैसे हैं आप? मैं बेसिकली छपरा जिला के सोनपुर से हूँ और फिल्म लाइन में मैं 1990 के दशक में ही मेरे दिमाग में था कि मैं फिल्म लाइन में जाऊँ, काम करूँगा। तो पहली फिल्म कौन सी थी और कैसे मिली आपको? पहली फिल्म तो मुझे घर बैठे मिली थी। मैं बेसिकली मैं थिएटर आर्टिस्ट था और मैं नाटक किया करता था पहले। मैंने दिल्ली में रंगमंच भी किया है, मैंने कुछ दिन पत्रकारिता भी की है। तो पहली मूवी जो मुझे मिली थी लिखने के लिए, वो मेरे घर पर बैठे कोई आदमी एक आए और बोले कि सुबोध जी आपके पास कोई स्टोरी हो तो बताओ। तो मैंने बताया मुझे क्या करना है, फिल्म बनानी है। तो बस मैंने लिखी और उस फिल्म को ब्रजभूषण जी डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन संजोग से पिक्चर नहीं बनी थी पहली मूवी। उसके बाद सबसे ज़्यादा हिट फिल्म कौन सी थी आपकी? देखिए, हिट और फ्लॉप कहने वाले हम लोग नहीं होते हैं, ये तो दर्शक के खेमे का चीज़ है, इसमें हम नहीं बता सकते कौन सी हिट बनी कौन सी फ्लॉप बनी। तो कब तक आप लोग शूटिंग शुरू करिए कुछ बताइएगा? शूटिंग हम लोग अक्टूबर तक जाएंगे, इसके पहले अभी इस मंथ में ही हम लोग म्यूजिक पे काम शुरू कर रहे हैं, पहले म्यूजिक कर लूँ उसके बाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।